करना है. दिस इज डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन किसान, नॉट डिपेंड ऑन मीडिएटर. कि जो घर बैठे हमारा तय करेंगे कितना प्राइस लगना चाहिए या कितना इसको हम देंगे. किसान को आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बुरी हालत किसान की है. मेरे प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा ओवरव्यू होगा जम्मू कश्मीर के प्राइमरी सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के बारे में, और फिर मैं फोकस करूंगा जो ये नए बिल्स आए हैं इसके बारे में मैं फोकस करूंगा. ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है जब बाहर बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी टूरिज्म की इकोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर हैंडीक्राफ्ट की इकोनॉमी है. 13.5 लाख फार्मिंग फैमिलीज हैं इस स्टेट में जो फुल्ली डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे. ये कुछ डाटा है, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, आप सबके पास ही अवेलेबल कराई गई है. तो यही पे लाके अपना माल बेचना है, चाहे जैसा भी उसको प्राइस मिले. मैं आपको सौभाग्य समझता हूँ कि हमें यहाँ पे ये फार्म बिल के बारे में बोलने का मौका दिया गया. बहुत सारी बातें मैडम जी ने बताई और चौधरी साहब ने भी इसको पूरा रैप अप किया कि कैसे ये फार्म बिल हमारे फार्मर की इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं, फार्मर की बढ़ाई इसमें हो सकती है. एक बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है. सबसे पहले तो ये एक हमें एम्पावरमेंट मिली है, एक लिबर्टी मिली है कि हम अपनी प्रोड्यूस कहाँ बेच सकें, कैसे बेच सकें. पहले पहले बहुत बार हमें मंडियों पर डिपेंड रहना पड़ता था कि उसमें आरटीए सिस्टम होता था, उससे हमें आज़ाद किया गया. ये एक बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए. इससे जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी प्रोड्यूस बेच सकेगा. ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने की बात कर रही है. उसके बाद ये बात की गई कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जब इसराइल जैसी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है, तो हमारा भारतवर्ष भी इसमें कर सकता है. और एक बड़ा अच्छा मौका दिया गया कि आपके इलाके का ही SDM, पहले हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे, फिर वकील साहब की फीस, कि आपका SDM ही आपका फैसला करेगा 30 दिन में कि भाई कैसे ये किसकी गलती है, क्या ये किसान की गलती है या वो लेने वाले की गलती है. तो इससे हमें एक अच्छा मौका मिलेगा कि हम अपने SDM के पास ही, और बिल में ये प्रोविजन रखा गया, कोई आज तक ये ट्रेडिंग नहीं हुई है कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपना बेचा है तो आपके पैसे कितने दिन में आएंगे. 3 दिन में उसको इंश्योर करने की बात इसमें की गई है. मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे की गई है. बहुत बोल्ड वॉइस है, और इसी बोल्ड वॉइस से आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PM साहब के, जो उन्होंने ये किसान बिल अनाउंस किया हमारे लिए, उसका स्वागत करती हूँ. सबसे बड़ी बात, बहुत मिसगाइड किया जाता है, शायद मैं भी हो जाती. नवीन सर ने जितने अच्छे से समझाया हमें, इस चीज की सर ग्राउंड पे जरूरत है. मैं इस चीज को समझ गई. ये हमें फ्री बोर्ड बनाया गया. बेसिकली मैं किसान की बेटी भी हूं, किसान की बहू भी हूं, और आई थिंक जितना बेटर हम इसको समझ सकते हैं कोई नहीं समझ सकता. किसान ने क्या फेस किया है, एवरीवन टॉक अबाउट कंज्यूमर. हर बंदा ये चीज सोचता है, माननीय KK शर्मा जी, आपके घर में अगर हमें अपने आरसपुरा के स्पेशल राइस भेजने हैं तो हम क्या सोचेंगे कि इनको रीजनेबल प्राइस में मिल जाए. बट नो वन थिंक अबाउट फार्मर्स, नो वन टॉक अबाउट फार्मर्स. सबसे ज्यादा जो स्पेशलिटी है हमारे आरसपुरा की, हमारे बॉर्डर की, वो राइस बनता कैसे है, वो आता कहां से है, उस पर मेहनत कितनी लगती है, किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा. आज तक उसका बेस्ट प्राइस कभी नहीं मिला था. लास्ट टाइम सर ये अब जो प्रॉब्लम हुई है, हमने बहुत फेस किया, बहुत फेस किया. जो उसका प्राइस था उसका हमें मीन 45% भी नहीं मिला. मीन हमारी लागत भी हमें पूरी रिसीव नहीं हुई. हम किसको कंप्लेन करें, कौन सुनेगा? क्यों? वो मंडियां, वो जो मीडिएटर बैठे हैं सेंटर में खाने के लिए, जिसको हम पंजाबी में गिद्ध बोलते हैं, जो वहां पे बैठे हुए खाने के लिए, वो हमें हिलने नहीं देंगे. और वही 1 मंथ के बाद उन्होंने हमसे तो सारा माल उठा लिया, 1 मंथ के बाद उन्होंने वही 100% में सेल आउट किया. बेनिफिट किसको हुआ? आरटीए को, मीडिएटर को.
नुकसान किसका हुआ? फार्मर को। और सबसे बड़ी बात, जो कंज्यूमर है उसको तो वही प्राइस मिला जो उसको मिलना चाहिए, उसपे कोई कमी या उसपे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बट इस हमें अपने लोगों को समझानी है। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ त्रिवा को, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने ब्लॉक अर्निया को। मुझे ये चीज समझ में आ गई तो मुझे लगता है मेरा एरिया मुझे फॉलो करेगा, क्योंकि आई नो दैट एवरीवन नोज कि मैं झूठ नहीं बोलती भी, मुझे ये चीज समझ में आ गई। ये नहीं है कि यहाँ पे मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज रियलिटी। आज तक मुझे ये बताइए, कभी रिजर्वेशन नहीं मिला था, कभी कुछ नहीं मिला था, कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा है ना, हम उसका स्वागत करेंगे, ना कि यहाँ पे आके फॉर्मेलिटी करके वापिस जाके वही बातें करेंगे, मिस दैट पॉइंट वही करेंगे, अपने लोगों को मिस गाइड करेंगे। क्यों हमें वो माहौल क्रिएट करना है? बहुत ऑपोजिशन होके बहुत कुछ होता है, बट एग्जैक्टली सब कुछ छोड़ के किसान भाइयों के लिए हम लोग खड़े हैं, उनके लिए सोचिए। आज इस कार्यक्रम में उनके किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए उसकी जानकारी के लिए भी और किसानों द्वारा इसके प्रति फीडबैक देने के लिए भी जो रखा गया, जहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, उसके हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कहीं भी कोई कदम हो तो वो उसे लोगों भी दिलाते हैं और आज हमारे मध्य में है। हमारे राज्यसभा के मेरे साथी शमशेर सिंह खड़ा साहब, के जी शर्मा साहब, सलाहकार डॉक्टर गोविंदर महोदय के, और हमारे भाई नवीन चौधरी साहब जो कमिश्नर हैं, हमारी बहन यहा जी, मैं देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी और किसानों की बात रखने वाले करने वाले हमारे ऐसे किसान मोर्चा के जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रेजिडेंट ओमी खजूरिया जी, और भी मैं देख रहा था कि तेजेंद्र जी जहां बोले, बलबीर कौर जी जहां बोली, एक और नौजवान किसान भाई हमारे वो भी जहां पर बोले, उन्होंने इस बिल के विषय पर यहां पर चर्चा की। हम सब जानते हैं कि भाजपा सरकार जो शुरू से ही किसानों के हित की बात करती थी, उनकी आमदनी दोगुना करने की बात करती थी, और हमारे प्रधानमंत्री के जो स्लोगन भी था, जो ठीक कहा नवीन जी ने, और हम जानते हैं कि भाई इससे पहले भी जहां पर कई वर्षों तक राज करने वाली जो पार्टियां थी, उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए आज तक क्या कदम उठाए, और किसानों की हालत बस से बदतर होती गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसानों की बात जो है वो कभी नहीं की। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग लुभावनी घोषणाओं के माध्यम से ही वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो कहा जाता है वो किया भी जाता है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कई कदम जो है वो उठाए हैं, और रही बात जहाँ पर जो प्रोपोगंडा आजकल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और एजिटेशन की जा रही है, कहीं रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, कहीं पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये ठीक है यहाँ पर बलबीर कौर जी ने कि विरोध किस चीज का है वो तो बताया जाए भाई, जो पहले व्यवस्था थी वो सारी की सारी व्यवस्था जू की त्यू है, उससे कोई छेड़खानी तो नहीं की गई, मंडियां जो है वो हैं और एमएसपी जो है वो भी है, और समय समय पर उसके रेट जो है वो बढ़ाए जाते हैं, अभी बढ़ाए गए हैं। हाँ, यो दिक्कतें किसानों को थी, उन दिक्कतों को दूर करने का काम जो है वो इस बिल में है, और अब जो बंदिशें थी किसानों को के किसान जो है वो अपने ही प्रदेश में और फिर अपनी ही मंडी में ही अपने यो उत्पाद है उसे बेच सकते थे, लेकिन आज उसको आजाद कर दिया गया है इस बिल के माध्यम से कि जहां उसकी इच्छा हो वो वहां जाकर अपना जो गेहूं है, चावल है, दाल है, सब्जी है, जो भी है वो बेच सकता है, जहां उसको अच्छे
दाम मिल सकते हो। और फिर ये कि भाई ई ट्रेडिंग का भी प्रावधान इसमें रखा हुआ है कि आप किसी के साथ भी सभा में राज्यसभा में हमारे बड़े वरिष्ठ नेता जम्मू का प्रतिनिधित्व करने वाले शमशेर सिंह महाराज जी, उपराज्यपाल के सलाहकार के के शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी जी, जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता जी, उप महापौर बहन पूर्णिमा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी, हमारे अभी तीन किसान मित्र जिनकी आपने अनुभवों पर आधारित विवरण सुना, ऐसे इंद्रजीत सिंह जी, बहन बलबीर कौर जी, सुशांत जी, यहाँ पर कोरोना के बावजूद इस भारी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस विषय में कितनी रुचि समाज में जागृत हुई है। और साथ ही हमारे मीडिया के दोस्त जो हमारा माध्यम भी हैं लोगों तक हर विषय का विश्लेषण पहुंचाने का और उनको इस बात से परिचित करने का कि क्या सच है और क्या झूठ। अपनी बात रखने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अगर आप स्मरण करें तो 26 मई 2014 को आज से लगभग 6.5 वर्ष पूर्व जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम में से कुछ साथियों ने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री का जो आरंभिक बयान था उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समझती। मैं नहीं कह सकता उस बात को कितनी गंभीरता से सुना गया होगा, उस पर विश्वास किया भी गया होगा कि नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ा निराशावाद का वातावरण था देश में, आम नागरिक में सिविसिज्म भी था जो शायद अभी कहीं तक है लेकिन उसका स्तर कम हो गया। और आम आदमी भी ये समझता था कि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है कि उसने सुबह क्या भाषण दिया, और जनता भी उसको गंभीरता से ना लेते हुए भूलना ही मुनासिब समझती है। लेकिन ये धरती से आई हुई सरकार थी, धरती के अनुभवों को झेल करके, धरती की कठिनाइयों को झेल करके, और इसलिए संकल्प से सिद्धि की यात्रा उसी प्रण के साथ निरंतरता के साथ जारी रही 6 वर्ष। और आज अगर हम मुड़ के देखें तो मैं काफी विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि वी स्टैंड विंडिकेटेड, इफ नॉट होली टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, वी हैव वॉक द टॉक। और मैंने उस दिन शपथ ग्रहण के दिन एक छोटा सा लेख लिखा था, सनराइज एट सनसेट, क्योंकि लगभग 6 बजे के करीब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था, अंधेरे के साए लंबे होने लगे थे, सायंकाल का समय था, अचानक मानो सारा विश्व जगमगा रहा था, इतने सारे टेलीविजन रोशन हो गया कि द मोस्ट वाइडली वॉच्ड ओथ सेरेमनी भी हुआ। और वो उजाला प्रतीक था उस नए आशावाद का। पिछले 6-6.5 वर्षों में मोदी जी को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली का अनुभव करते हुए उनको करीब से देखने का मौका मिला, जो अपने में एक सौभाग्य है जो हर व्यक्ति के हिस्से में नहीं आता। और इसलिए यदि आप किसी वैज्ञानिक आधार पर किसी सरकार का विश्लेषण करें, उसके कारकर्दगी का लेखा जोखा करें, तो मैं समझता हूं मोटे तौर पर 2 पैमाने रहेंगे, एक तो नियत और दूसरी नीति। और ये जो नियत है इसका जो अंततः विश्लेषण है वो क्यूमुलेटिव होता है कि किस प्रकार का आपका रिकॉर्ड रहा।
यदि मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीब को समर्पित है तो आप स्मरण कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और बिना प्रमाण के बात करना मुनासिब भी नहीं। एक के बाद एक जितने निर्णय लिए गए वो समाज के उन वर्गों की चिंता करके लिए गए जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे भारत की इस विकास यात्रा में पिछले 70 वर्षों से, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो कमजोर रह गए थे, जो राजनीतिक प्राथमिकताओं से छूट गए थे। और इस तरह से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया गया कि जिस व्यक्ति की जो जरूरत होगी उस तक पहुंचा जाएगा, ना कि किसी और प्राथमिकता से, ना किसी और भेदभाव से या पक्षपात से। और मोदी जी ने कहा कि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी हमने विकसित करके बराबर के स्तर पर लाना है। और जब मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी दी तो सच पूछिए तो उससे पहले मैं कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, मुझे उसका कोई परिचय नहीं था, ना किसी व्यक्ति से वहां पर परिचय मेरी जान पहचान थी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमने पूर्वोत्तर को उसी तरह पर खड़ा करना है जिस प्रकार के बाकी के विकसित राज्य हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक बुझा बलवान हो और दूसरी कमजोर रह जाए और फिर हम ये अपेक्षा करें कि भारत माता का समूचा विकास होगा। और आज 6 वर्ष के बाद नॉर्थ ईस्ट इज कोटेड एज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आई फॉरगॉट टू कॉम्प्लीमेंट नवीन, ही हैपेंस टू बी द फर्स्ट नॉन इनसाइडर JNK IAS कैडर ऑफिसर टू हैव बीन कन्फर्ड सिटीजनशिप ऑफ जम्मू कश्मीर, सो ही हैज ऑल्सो मेड अ हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स। जैसे इन्होंने भी ये कहा कि यहां पर ये लागू होगा, अभी इन्होंने आंकड़ा दिया लगभग 3 लाख परिवार, तो जब ये बोल रहे थे तो उसी क्षण मेरे बात जहन में आई कि आई मल्टीप्लाइड विद 4 कंसीडरिंग दैट बिफोर, तो कितनी बनी जनसंख्या, लगभग 50 लाख। और आपके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या 1,05,10,00,000 है, इसका क्या लाभ है। और जब ये नई व्यवस्था बनी थी, नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ 2019 के चुनाव के बाद, तो मोदी जी ने हमसे कहा था कि अब आपने वही तवज्जो जम्मू कश्मीर को देनी है जैसे पूर्वोत्तर होगी। एंड आई एम श्योर इफ नॉर्थ ईस्ट कुड इमर्ज एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देयर इज नो रीजन व्हाई जम्मू कश्मीर कैन नॉट, क्योंकि 2014 में जब नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तो वहां पर दुश्वारियां बहुत ज्यादा थी, रोड ब्लॉकेड रहते थे 4-4 महीने, जान वाला काम नहीं था, मिलिटेंसी का ये आलम था कि पहाड़ों से फायरिंग होती थी जब कोई सरकारी गाड़ी देखते, यहां वाला नहीं था कि एक भाई मिलिटेंट और दूसरी बहन के एयर सर्वसर। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है, ये वोट मांगने नहीं आई, नहीं तो क्या कौन सा वोट मिलता था नॉर्थ ईस्ट के बलबूते पे, कौन सी सरकारें बनती थी, तो उनमें विश्वास जागा। और इसलिए हम सभी यहां पर ओपिनियन मेकर्स भी हैं, समाज के साथ भी हमारा संबंध है, मीडिया के साथ भी, हम अपने लिए ना सही, मोदी जी के लिए ना सही, मेरे जुगल जी के लिए ना सही, शमशेर जी अपने बच्चों के लिए, वो जैसे कहा उसने एक वो रोज बीवी तंग आ गई थी उससे कि तू कुछ नहीं करता, तो वो उसको एक दिन कहती है कि भाड़ में जाए तेरी ये शायरी ये फन, शायरों का यही हाल होता है कि मेरा ना सही ना बन अपना तो बन, तो आप किसी के ना बनिए, कम से कम अपने बच्चों के बनिए। और आप संजीदगी से आंखें मूंद करके घर बैठ करके सोचेंगे कि ऑल दी ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू इन दिस इंडिपेंडेंट इंडिया, तो बच्चों के लिए कौन सा खुला ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि ये जो नया कानून आने वाला है इसके बाद बहुत से ऐसे परिवार जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अब तक नहीं जुड़े थे, दे विल लुक फॉरवर्ड टू बिकम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। बहुत बहुत धन्यवाद।